हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 10 से 20 अगस्त के बीच जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सके हैं उनके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी आपको पता है, मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी का एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में 40 से ज्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री के द्वारा हाल ही में कितने उपकरणों के आयात पर रोक लगाई गई है? तो दोस्तों, 101 रक्षा मंत्री के द्वारा जो उपकरण है उन पर रोक लगाई गई है। इसमें असॉल्ट राइफल, तोप, परिवहन विमान आदि शामिल हैं। दोस्तों, यह जो रोक लगाई गई है वह आत्मनिर्भर भारत के तहत लगाई गई है, यानी ये जो 101 उपकरणों पर आयात नहीं होगा उन्हें भारत में ही बनाया जाएगा। तो ये रोक हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कितनी महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं? तो कुल 7 करोड़ महिलाएं देश में स्व सहायता समूहों से जुड़ी हैं। दोस्तों, जिसमें 86,000 स्व समूह देश में काम कर रहे हैं, उनमें इतनी महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं और ये आत्मनिर्भर महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किसने लॉन्च किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हाल ही में लॉन्च किया है। अब दोस्तों, इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में क्या क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो 20 लाख करोड़ के पैकेज का यह हिस्सा है जो लॉकडाउन के दौरान किया गया था। नेक्स्ट है, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप्स, कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी कंपनी आदि की मदद के लिए यह कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए भी रखे गए हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा फंड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राहत इंदौरी का निधन हुआ, ये कौन थे? तो दोस्तों, ये जाने माने शायर थे जिनका हाल ही में 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दोस्तों, इनके कई फेमस शायरी रही हैं जो आप जानते ही होंगे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पेट्रोल सीमा का निर्धारण किया गया है? तो मिजोरम राज्य में पेट्रोल की सीमा पर निर्धारण किया गया है। दोस्तों, कोरोना के कारण यहां पर फ्यूल टैंक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके कारण पेट्रोल की सीमा का निर्धारण किया गया है मिजोरम में। दोस्तों, आपको बता दें, जो सीमा पर निर्धारण किया गया है उनके बारे में, तो स्कूटर के लिए 3 लीटर, बाइक के लिए 5 लीटर मैक्सिमम पर डे के लिए, और कार के लिए 10 लीटर मैक्सिमम दिया जाएगा, और बसेस के लिए 100 लीटर मैक्सिमम पेट्रोल दिया जाएगा मिजोरम राज्य में। बात आई है मिजोरम की, तो मैप में आपको इसके बारे में बता दें। दोस्तों, मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये है मिजोरम की लोकेशन। मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 में की गई थी। राजधानी आइजोल है, यहाँ के गवर्नर है पीएस श्रीधरन और मुख्यमंत्री है जोरमथंगमा। तो इतना आपको मिजोरम के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? When is World Tribal Day celebrated? तो 9 अगस्त यानी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी जो थीम रखी गई है उसके बारे में जानते हैं। तो COVID-19 इंडिजीनियस पीपल रिलायंसेस, ये थीम रखी गई है 2020 में विश्व आदिवासी दिवस की। आपको बता दें, 1982 से वर्ल्ड ट्राइबल डे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शेर दिवस यानी वर्ल्ड लायन डे कल कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो प्रत्येक 10 अगस्त को विश्व लायन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश को मैरीटाइम हब बनाया जाएगा? तो हमारे अंडमान और निकोबार को, जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसे मैरीटाइम हब बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लिया गया है। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहां पर ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन भी किया गया है, जो 2312 किलोमीटर लंबी है, जिसे चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच में डाला गया है। इसकी कुल लागत 1,224 करोड़ रुपए रखी गई है और यहां से 400 गीगाबाइट का नेट उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सुविधा हाल ही में अंडमान निकोबार को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दी गई है। इसके अलावा कहा गया है कि इसे मैरीटाइम हब भी बनाया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सरकारी नौकरी वालों के लिए 20-50 का फॉर्मूला अपनाया गया है? तो हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए 20-50 का फॉर्मूला अपनाया गया है। अब ये 20-50 का फॉर्मूला क्या है इसके बारे में आपको बता दें, तो 20 साल की नौकरी या 50 की उम्र पार कर चुके व्यक्तियों या सरकारी कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस देखी जाएगी। अगर वो मेडिकली फिट हैं और या फिर मेडिकली अनफिट नहीं है तो उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा, या फिर 20 साल बाद रिटायर हो अन्यथा 25 साल बाद उन्हें सरकार खुद ही रिटायर कर देगी। यानी अगर आप मेडिकली अनफिट हैं तो सरकार आपको 25 साल बाद रिटायर कर देगी, तो इससे अच्छा है कि आप 20 साल पहले खुद ही रिटायर हो जाएं। तो ऐसी सरकारी नौकरी वालों का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिलांजिका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो दीपिका पादुकोण को मिलांजिका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। दोस्तों ये एक बियर ब्रांड है, यानी जो कपड़े स्थानिक बियर होते हैं उनका ब्रांड है, जिनका हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर दीपिका को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 1000 टन कच्चे तेल का रिसाव हुआ है? तो ये है मॉरिशस। मॉरिशस में हाल ही में 1000 टन कच्चे तेल का रिसाव हुआ है। दोस्तों आपको बता दें, मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित है। इसका जो राष्ट्रवाक्य है वह हिंदू हिंद महासागर का सितारा या कुंजी है। इसको यूनाइटेड किंगडम से 12 मार्च 1968 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। यहाँ की जो राजधानी है वह पोर्ट लुई है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ की जो मुद्रा है वह मॉरिशस रुपया है। तो इतना आपको मॉरिशस के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SAIL यानी सेल का पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये है सोमा मंडल। सोमा मंडल को सेल की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों बात आई है SAIL की यानी सेल के बारे में, तो आपको इसके बारे में हम बता दें, सेल का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। इसका फॉर्मेशन यानी स्थापना 19 जनवरी 1954 यानी 19 जनवरी 1954 में किया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और यह भारत की तीसरी लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है और इसके अलावा 20वीं वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है। तो इतना आपको सेल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के साथ एक जिला और एक उत्पाद योजना के तहत किसने समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश के एक जिला और एक उत्पाद योजना के तहत समझौता किया है। यानी दोस्तों एक जिले में जो सबसे बेस्ट उत्पाद होगा उसका जो एडवर्टाइज है वह फ्लिपकार्ट करेगा। बात आई है फ्लिपकार्ट की, तो आपको इसके बारे में बता दें, दोस्तों फ्लिपकार्ट का फाउंडेशन यानी फाउंडेड 2007 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके जो ओनर है वह वॉलमार्ट है। जो फाउंडर थे उनका नाम है बिन्नी बंसल और सचिन बंसल, और हाल ही में जो फ्लिपकार्ट के CEO हैं वह हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। तो इतना आपको फ्लिपकार्ट के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्वामित्व योजना शुरू हुई है? तो दोस्तों हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में हाल ही में स्वामित्व योजना शुरू हुई है। दोस्तों ये स्वामित्व योजना क्या है आपको इसके बारे में जरूर बता दें। दोस्तों जो मध्य प्रदेश में समस्त गांव हैं उसमें अमूक और ओटलों में रहने वाले मकान मालिक के बारे में सर्वे किया जाएगा कि उनका मकान मालिक कौन है, वह मकान किसने बनाया है, कब बना है, इन सब के बारे में इस स्वामित्व योजना के तहत जानकारी ली जाएगी और सर्वे कराया जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गाँव की स्थिति संपत्ति आदि की जानकारी हेतु यह योजना शुरू की गई थी, जिनका क्रियान्वयन हाल ही में मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। तो आपको याद रखना है स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में पहली राइफल शूटिंग रेंज शुरू हुई है? तो इसका सही ऑप्शन है सागर। दोस्तों सागर जिले की पहली राइफल शूटिंग रेंज हाल ही में शुरू की गई है। बात आई है सागर की, तो मैप में आपको इसकी लोकेशन के बारे में बता दें। दोस्तों मैप में आप देख पा रहे हैं ये लोकेशन है सागर डिस्ट्रिक्ट की। दोस्तों एक हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश से भी लगता है। बात करते इसके इंपोर्टेंट फैक्ट की, तो भारत के हृदय कहा जाता है सागर को। मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में ही स्थित है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख एरण में देखने को मिलता है जो सागर में ही स्थित है। नापतोल प्रशिक्षण संस्थान और स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स की स्थापना भी सागर में ही की गई है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण जिसे हम नौरादेही अभ्यारण के नाम से जानते हैं यह सागर में ही स्थित है। और बीना तहसील में ऑयल रिफाइनरी लगाई गई है ओमान की सहायता से। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों सागर के बारे में, आपको याद रखने हैं, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रणब मुखर्जी हाल ही में कोविड-19 पाए गए, ये भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों ये भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, जो हाल ही में कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, यह 13वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? तो प्रत्येक 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें, जो इस बार इसकी थीम रखी गई है वह यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ये थीम रखी गई है। और 1999 से यानी 1999 से नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता कौन है? तो ड्वेन जॉनसन फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता हैं। दोस्तों आपको बता दें, इनकी एक साल की कुल कमाई 655 करोड़ रुपए है। जैसा कि आपको पता है, ड्वेन जॉनसन को द रॉक के नाम से भी जाना जाता था, जो WWE के खिलाड़ी थे। दोस्तों इसके बाद दूसरे नंबर पर रियान रेनॉल्ड्स हैं। इसके अलावा जो भारत के अक्षय कुमार हैं, वह 6वें स्थान पर हैं फोर्ब्स की इस लिस्ट में। आपको बता दें, अक्षय कुमार एक साल में कुल 363 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो आपको इतना अक्षय कुमार और फोर्ब्स की इस लिस्ट के बारे में याद रखना है। जितनी भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपसे यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है। दोस्तों आपको ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आपके किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, खासतौर पर जो हाल ही में जेल प्रहरी का एग्जाम आना है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा कितने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय विकसित किए जाएंगे? तो कुल 9 संग्रहालय जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा विकसित किए जाएंगे भारत भर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश भारत के साथ 5G एक्सपीरियंस शेयर करेगा? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ 5G एक्सपीरियंस शेयर करेगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत ने चीनी कंपनियों का बैन लगाया गया है, इस कारण ऑस्ट्रेलिया ने इसका फायदा उठाया है और भारत के साथ 5G एक्सपीरियंस शेयर करेगा। बात आइए ऑस्ट्रेलिया की, तो आपको मैप में इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं और जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे उसके बारे में भी बात करते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये है ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों एकमात्र महाद्वीप है जहां पर एक भी वोल्केनो नहीं है। दोस्तों बात करते हैं इसकी राजधानी की, तो कैनबरा यहां की राजधानी है। सम्राट यहां की एलिजाबेथ द्वितीय है। जो गवर्नर जनरल है वह डेविड हार्ले हैं और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। यहाँ की जो मुद्रा है ऑस्ट्रेलिया डॉलर है। दोस्तों हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऐसा समझौता किया गया है जो हिंद महासागर में, और ये भारत के जो शिप हैं वह ऑस्ट्रेलिया महासागर में आ जा सकते हैं। ये समझौता हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द न्यू इनकम टैक्स प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट? ये प्लेटफॉर्म हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों जो भारत में आयकर रिटर्न है उसको बढ़ाने के लिए यह जो प्लेटफॉर्म है वह लॉन्च किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, सिर्फ 1.5 करोड़ करदाता है पूरे भारत भर में, यानी 130 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 1.5 करोड़ ही कर देते हैं। दोस्तों इसमें जो यह प्लेटफॉर्म है इसमें करदाताओं के राइट्स के बारे में बात की गई है। तो आपको इसके बारे में जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक समय तक रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? हु इज द लॉन्गेस्ट लिव्ड नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर? तो ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे अधिक समय तक रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, अटल बिहारी वाजपेयी 2272 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे और इनको पछाड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी 2273 दिन से ज्यादा, अब ये कुछ दिन पहले का जो वीडियो क्वेश्चन है इसलिए अब 2-4 दिन और बढ़ गए हैं, तो ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हो गए हैं जो सबसे अधिक समय तक रहने वाले हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी 7वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराएंगे, इसमें भी वो अटल जी से आगे हो गए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यदुपति सिंघानिया का निधन हुआ, ये किस सीमेंट के प्रमुख थे?
तो इसका सही ऑप्शन है जेके सीमेंट। यदुपति सिंघानिया जेके सीमेंट के सीईओ थे। दोस्तों आपको बता दें इनका हाल ही में 67 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। देश के जो टॉप 100 सीईओ की लिस्ट है उसमें इनका नाम 28वें स्थान पर था। दोस्तों एक और इंपोर्टेंट फैक्ट इनके बारे में पता हो तो आपको बता दें ये यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। तो इतना आपको यदुपति सिंघानिया के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हरमल मिर्ची को जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य में उगाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है गोवा। गोवा राज्य में हरमल मिर्ची उगाई जाती है। दोस्तों इसके अलावा गोवा के खेजे और मंडोली केले को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। बताइए गोवा की तो आपको मैप में इसकी लोकेशन के बारे में बताते हैं। दोस्तों मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है छोटी सी लोकेशन, यहाँ पर है गोवा। ये आप देख पा रहे होंगे नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। बात करते हैं इसकी स्थापना की तो 30 मई 1987 को स्थापना हुई थी। राजधानी है पणजी। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह हाल ही में दोस्तों यहाँ पर बने हैं भगत सिंह कोश्यारी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है जो हाल ही में जो यहाँ के राज्यपाल बन गए हैं वह भगत सिंह कोश्यारी बने हैं। यहाँ के जो सीएम है वह है प्रमोद सावंत। राज्यसभा की कुल 1 सीट है और लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं गोवा में। बात करते हैं यहाँ के नेशनल पार्क की तो भगवान महावीर और कोटिजो और सलीम अली यहाँ के नेशनल पार्क हैं। यहाँ का जो प्रसिद्ध डांस है वह कुंभी है और सबसे बड़ी नदी है वह ज्वारी है। तो इतना आपको गोवा के बारे में याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ के जो राज्यपाल हाल ही में बने हैं वह भगत सिंह कोश्यारी बने हैं जो महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो हमने दोस्तों हाल ही में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। जैसा कि आपको पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और उसके बाद यह भारत का 74वां स्वाधीनता दिवस मनाया गया है। दोस्तों एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दें, लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस पर जो भाषण देते हैं वह प्रधानमंत्री मोदी देते हैं, जबकि 26 जनवरी पर यानी गणतंत्र दिवस पर जो भाषण देते हैं वो भारत के राष्ट्रपति देते हैं। तो ये एक इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल किसे बनाया गया है। तो कमला नेहरू अस्पताल को भोपाल का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाया गया है। दोस्तों बात आई है भोपाल की तो आपको मैप में इसकी लोकेशन और इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में बताते हैं। मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है भोपाल की लोकेशन। भोपाल को जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला है मध्य प्रदेश का झीलों और पहाड़ों पर बसा शहर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपदा प्रबंधन संस्थान और वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में ही स्थित है। 1960 में ब्रिटेन की सहायता से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना यानी व्हेल की स्थापना की गई थी। देश का पहला मॉडल ब्लड बैंक भी भोपाल में ही बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भी भोपाल में ही लगाया गया है। चार्ल्स कोरिया द्वारा भारत भवन बनाया गया है भोपाल में। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल में ही बनाई गई है। और प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो 1985 में बनाया गया था यह भोपाल में ही स्थित है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे भोपाल के बारे में। दोस्तों यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो ये फैक्ट आप जरूर याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की गुणवत्ता सुधार हेतु यूनिसेफ की मदद से किस राज्य में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया है। तो ये है हमारे प्यारे मध्य प्रदेश। हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु यूनिसेफ की मदद के साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश में यह जो इसका उद्देश्य है वह स्कूलों की समेकित व्यवस्था में सुधार करना है। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा आयुक्त हैं लोकेश जाटव, इनके द्वारा हाल ही में यह इन्फॉर्मेशन दी गई है। बात आई है यूनिसेफ की तो आपको इसके बारे में बता दें, यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है। इसकी स्थापना या फॉर्मेशन 11 दिसंबर 1946 में किया गया था। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके हेड हैं हेनरिटा एच फोरे। तो इतना आपको यूनिसेफ के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे लोकप्रिय स्पोर्ट्समैन कौन है। तो ये है महेंद्र सिंह धोनी। देश के सबसे लोकप्रिय स्पोर्ट्समैन महेंद्र सिंह धोनी हैं। दोस्तों इनके बारे में आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में बता दें तो ऑनक्स मीडिया अनुसार सानिया मिर्जा 6वें स्थान पर हैं। ये एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जो इस लिस्ट में हैं। ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाली स्पोर्ट्समैन भी महेंद्र सिंह धोनी ही हैं। तो इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। दोस्तों आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में संन्यास लिया है, ये भी क्वेश्चन मैंने आगे पिक किया है। हाल ही में किस राज्य में गंदगी चले जाओ अभियान शुरू हुआ है। तो हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में गंदगी चले जाओ अभियान प्रधानमंत्री
माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। दोस्तों, शहरों के साथ साथ गांव में भी सफाई करने हेतु यह अभियान लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए सहयोग से सुरक्षा अभियान भी इसके साथ चलाया जाएगा। यानी दो अभियान, गंदगी चले जाओ अभियान और सहयोग से सुरक्षा अभियान, ये दोनों अभियान मध्य प्रदेश में चलाए जाएंगे एक साथ। बात आइए मध्य प्रदेश की, तो आपको मैप में इसके बारे में बता दें। दोस्तों, मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल है। 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया था, राजधानी भोपाल है। यहाँ के जो गवर्नर हैं दोस्तों, वह हाल ही में जो वर्तमान राज्यपाल हैं वह है आनंदीबेन पटेल, और ये उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो भाजपा से हैं। विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर की जो सीटें हैं वह 230 हैं और राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। इसके अलावा लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। तो इतना आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो कुल 84 यानी 84 वीरता पुरस्कार हाल ही में प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, सीआरपीएफ के नरेश कुमार को वीरता पुरस्कार दिया गया है, शहीद मोहनचंद शर्मा को भी वीरता पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, शहीद मोहनचंद शर्मा दिल्ली वाटला हाउस मुठभेड़ में शहीद हुए थे। इसके अलावा कीर्ति चक्र भी प्रदान किए गए हैं, जो सिर्फ एक कीर्ति चक्र दिया गया है वह भी मरणोपरांत अब्दुल रशीद जो जम्मू कश्मीर के हैं इन्हें दिया गया है। इसके अलावा 9 शौर्य चक्र भी प्रदान किए गए हैं। तो ये एक बार फिर आपको बता दें, कुल वीरता पुरस्कार दिए गए हैं 84 यानी 84, कीर्ति चक्र दिया गया है 1 और शौर्य चक्र दिए गए हैं कुल 9। तो इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने खास इमोजी लॉन्च किए हैं? विच मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड स्पेशल इमोजीज ऑन इंडिपेंडेंस डे रिसेंटली? तो ये है ट्विटर। ट्विटर के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर सोशल मीडिया जो एक प्लेटफॉर्म है उस पर खास इमोजी लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं ट्विटर की, तो आपको बता दें इसका फाउंडेशन 21 मार्च 2006 को किया गया था। फाउंडर थे जैक डॉर्सी और नो ग्लास। इसके जो हाल ही में सीईओ हैं वह जैक डॉर्सी ही हैं। तो इतना आपको ट्विटर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी का नया विमान एक बार में कितने घंटे उड़ान भर सकता है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का नया विमान एक बार में 17 घंटे तक की उड़ान भर सकता है। दोस्तों, अब बात आई है प्रधानमंत्री मोदी जी के नए विमान की बारे में, तो आपको इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं जो आपको जानना मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहला तो यह 17 घंटे एक बार में उड़ान भर सकता है। इसका नाम एयर इंडिया वन रखा गया है। दोस्तों, ये दो विमान खरीदे गए हैं जिनकी कीमत 8,458 करोड़ रुपए रखी गई है। इसका उपयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। दोस्तों, यह हवा में ईंधन भरने में सक्षम होगा, एक बार में 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, कुल 17 घंटे एक बार में उड़ सकता है और इसके साथ जो दूरी की बात की जाए तो 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। दोस्तों, सेंसर की मदद से पायलट को मिसाइल पर हमला करने की मदद मिलेगी। इंफ्रारेड मिसाइल रोधी प्रणाली भी इसमें लगाई गई है। दुश्मन के जीपीएस और ड्रोन सिग्नल ब्लॉक करने में सक्षम है। दोस्तों, चाफ एंड फ्लेयर सिस्टम यानी बादल नुमा चाफ छोड़कर यह इसमें छुप सकता है और इसके द्वारा आगे जा सकता है। ऑफिस एंड मीटिंग रूम भी इसमें बनाया गया है। दोस्तों, सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम भी लॉन्च की यानी लगाया गया है। इसके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे इस विमान के बारे में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश में कहां टेलीमेडिसिन तकनीक शुरू की गई है? तो यह हरदा जिले में मध्य प्रदेश में टेलीमेडिसिन तकनीक शुरू की गई है। दोस्तों, इसकी शुरुआतकर्ता कृषि मंत्री कमल पटेल हैं। बात आइए हरदा की, तो मैप में आपको इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये है हरदा की लोकेशन। हरदा की इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो पहला है, महात्मा गांधी ने कुल 4 बार हरदा की यात्रा की थी। सर्वाधिक औसत कृषि जोत वाला जिला हरदा ही है मध्य प्रदेश में। कान्हा बाबा का मेला सूडलपुर में लगाया जाता है जो हरदा में स्थित है, और नेमावर नर्मदा नदी पर स्थित हिंदू और जैन धर्म का पवित्र स्थल है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे हरदा के बारे में, आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की
10 से 20 अगस्त 2020 के बारे में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए सही है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आप हमसे कहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो ये मेल आईडी दी गई है, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं टेलीग्राम ग्रुप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का पेज का, तो वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हैं ना ही हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।